फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है मिस्टर वी यूट्यूब चैनल पर। आज की इस कमाल की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊं कुछ कमाल की टेक न्यूज़। तो मेरा नाम है मान प्रताप और वी न्यूज़ देख रहे हैं आप। शाओमी रेडमी नोट 5 को लेके जिसका इंतजार बहुत ज्यादा बेसब्री से चल रहा है। और यहाँ पर जो है रेडमी नोट 5 एक तरह से आप कंफर्म ही समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो है फ्लिपकार्ट ने ट्विटर पर ट्वीट किया है कि हमारे वेबसाइट पर जो है रेडमी नोट 5 जाने वाला है सेल पे। तो रेडमी नोट 5 आप कंफर्म समझिए 14th को जो है यहाँ पर रेडमी नोट 5 ही लॉन्च होगा। वैलेंटाइंस डे वाले दिन आपको ये गिफ्ट मिलेगा Redmi Note 5 का। तो फ्रेंड यहाँ जो अगली न्यूज आती है वो आती है Samsung Galaxy S8 और S8 Plus को लेके। अगर आपके पास ये फोन है तो आपको जो है ऑडियो का अपडेट मिलना बहुत जल्दी चालू हो जाएगा। फिलहाल ये जो ऑडियो अपडेट है वो बीटा टेस्टर्स के पास पहुंच चुका है और आपके पास ही जल्दी आ जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ जो अगली न्यूज आती है वो आती है 5G नेटवर्क्स को लेके। तो यहाँ पर जो है बहुत सारी कंपनी है, Xiaomi, Vivo, Oppo, Nokia, ZTE और मतलब बहुत सारी कंपनी है, LG, HTC, सभी कंपनियों ने जो है टाई अप किया है हमारे Qualcomm की 5G टेक्नोलॉजी के साथ। जिसका मॉडम है 5G वो है Qualcomm का Snapdragon X50 5G NR मॉडम। तो इन सब के साथ कोलैबोरेट करने के बाद यहाँ पर जो है 2019 में आपको देखने को मिलने वाले हैं 5G स्मार्टफोन। फिलहाल 2018 में आपको 4G स्मार्टफोन से ही काम चलाना पड़ेगा। और यहाँ पर Vivo ने जो है कंफर्म कर दिया है कि Vivo ने कहा है कि प्रॉमिस किया है कि आपको जो 2019 में हमारा जो है 5G स्मार्टफोन बहुत जल्द देखने को मिलेगा। खैर ये सभी कंपनियों का ही देखने को मिलेगा, यहाँ पर प्रॉमिस का कोई जरूरत ही नहीं थी। जो अगली न्यूज आती है वो आती है फेसबुक की तरफ। तो फेसबुक अगर आप लोग चलाते हो तो आपको लाइक का ऑप्शन मिलता है लेकिन डिसलाइक का नहीं मिलता है। यहाँ पर जो टेस्टिंग चल रही है डाउनवोट बटन जो है यहाँ पर फेसबुक बहुत जल्दी लाने वाला है, जिससे कि आप जो फ्लैग कर पाएंगे इनअप्रोप्रिएट या फिर कोई मतलब आपको पसंद नहीं आया कमेंट तो उसे आप बंद कर सकते हैं, उसे फ्लैग कर सकते हैं, डिसलाइक कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मतलब टेस्टिंग चल रही है इसकी। और ये जो फीचर है फिलहाल US के कुछ 5% लोगों के पास ये बटन है डिसलाइक का। और मतलब ये वो लोग हैं जिनके पास जो है डिफॉल्ट US इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो सिलेक्टेड है। तो फ्रेंड जो अगली न्यूज आती है वो आती है गूगल और हमारे इंडिया के कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को लेके। तो यहाँ पर जो है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो कि CCI अपने इंडिया की है, उसने जो है फाइन लगाया है गूगल पे। जो फाइन है वो कोई छोटा मोटा नहीं है, वो है 135.86 करोड़ रुपीस का फाइन। तो यहाँ पर बात कुछ ऐसी है कि 2012 में metromoney.com और यहाँ पर जो कंज्यूमर यूनिट ट्रस्ट सोसाइटी है कट्स, जिसे आप प्यार से शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, इन दोनों ने जो है सरकार को मतलब गवर्नमेंट को जो है कुछ सबूत पेश किए थे कि गूगल जो है कुछ इनअप्रोप्रिएट तरीके से यहाँ पर अपने पोजीशन का फायदा उठा रहा है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा गूगल को यूज़ किया है। तो सर्च इंजन को यूज़ करके यहाँ पर जो कुछ सर्च रिजल्ट के साथ छेड़छाड़ करके अपने जो पोजीशन को और अच्छा कर रहा है, यहाँ पर मतलब छेड़छाड़ कर रहा है गूगल अपने सर्च रिजल्ट के साथ। तो यहाँ पर जो है गिल्टी पाया गया यहाँ पर मतलब इस तरीके के गूगल को। और यहाँ पर जो है फाइन के लिए यहाँ पर CCI ने कह दिया है। अब मतलब ऐसा कोई केस पहले देखने को नहीं मिला था, ये इतना बड़ा फाइन और इतना बड़ा केस जो है यहाँ पर गूगल पे पहली बार देखने को मिला है और मिला है इंडिया की तरफ से। तो फ्रेंड्स आज अगली न्यूज आती है वो थी मोटोरोला की, मोटो Z2 4 से लोग जो पिछले साल जो है US वगैरह में लॉन्च हुआ था बाहर, लेकिन यहाँ पर अब इंडिया में भी लॉन्च होने वाला है 15 फरवरी को। तो यहाँ पर आप इसे खरीद सकते हैं अगर आप मोटोरोला के फैन हैं। तो यहाँ पर मतलब बात कुछ ऐसी है, यहाँ पर आपको मिलेगा 835 का प्रोसेसर और साथ ही साथ 4GB 64GB की वेरिएंट और साथ ही साथ 6GB और 128GB का वेरिएंट आपको देखने को मिलेगा। 5.5 इंच की डिस्प्ले है, 16:9 का एक्सपेक्ट रेशियो वाली 18:9 का नहीं है एक्सपेक्ट रेशियो। और यहाँ पर बैटरी जो है बहुत कम है, 2730 mAh 2730 mAh की। तो यहाँ पर अगर आप इसके बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल जानना चाहते हो, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी जो कि 2017 में बनाई थी, बहुत टाइम पहले लॉन्च हुआ था बाहर, तभी मैंने वीडियो बनाई थी, आप यहाँ आई बटन पे जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड अगली न्यूज़ आती है वो आती है भैया हमारे Xiaomi के Mi Mix 2S को लेकर। तो यहाँ पर जो है उसका एक स्केच लीक हुआ है कि आपको फोन कैसा दिखने वाला है। तो इस पिक्चर में जो आप देख सकते हैं यहाँ पर बैक में कोई फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है, फ्रंट में बहुत ही ज़्यादा अच्छा यहाँ पर आपको बेजलेस डिस्प्ले देखने को मिलती है। साथ ही साथ यहाँ पर जो है टॉप राइट साइड पे आपको देखने को मिलता है छोटा सा नॉच जो कि फ्रंट कैमरा के लिए है। खैर यहाँ पर मतलब ईयर पीस वगैरह कहाँ, खैर ईयर पीस का तो है यहाँ पर Mi Mix 2 में उसने काम कर लिया था, Mi Mix 2 में वहाँ पर जो है ईयर पीस के जो पीजो इलेक्ट्रिक वाइब्रेटिंग सिस्टम को यूज़ किया था, जिससे कि वाइब्रेट करके आपको साउंड देखने को मिलती है, सुनने को मिलती थी। और यहाँ पर कोई भी ईयर पीस नहीं था, खैर यहाँ पर ईयर पीस वगैरह कहाँ है कुछ पता नहीं है। बाकी यहाँ के स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो यहाँ आपको मतलब अंडर स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर शायद इसमें देखने को मिल सकता है, 845 स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर मिलेगा, साथ ही साथ 8GB रैम और 256GB की स्टोरेज और 12 मेगापिक्सल का रियर में डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा।
और बाकी कोई ज़्यादा इसमें है नहीं है कोई स्पेक्स की लीक्स वगैरह, खैर आपको बात बतानी थी फोन कैसा दिखने वाला। आफ्टर ऑल यार मीमिक्स जो फोन है वो सिर्फ लुक्स के लिए ही जाना जाता है, स्पेक्स तो खैर किसी भी फ्लैगशिप स्मार्टफोन में ये मिल जाएगी। थोड़ी और अगली न्यूज़ आती है वो आती है शाओमी के मी 7 को लेकर, जो कि फ्लैगशिप स्मार्टफोन है। तो यहाँ पर जो उसकी एक स्क्रीनशॉट लीक हुआ है जिससे कि आप मतलब एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, खैर स्क्रीनशॉट चाइनीज में है, मैं आपको स्पेसिफिकेशन बता दूँ। स्पेसिफिकेशन जो है 5.6 इंच की फुल एचडी प्लस डिस्प्ले यानी 80 डिजिटल का एक्सपेक्ट रेशियो आपको देखने को मिले, नियरली बेजललेस शायद आपको देखने को मिले। साथ ही अगर स्नैपड्रैगन की 845 देखने को मिलेगा, 8GB रैम और 128GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगी, 16MP का बैक में कैमरा होगा, साथ ही साथ एक सेकेंडरी कैमरा भी हो बैक में यानी आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलने वाला है। और यहाँ पर 4480mAh की बैटरी है और यहाँ पर मतलब आप देखेंगे तो यहाँ पर MIUI 8.1 पे रन कर रहा है। खैर ये चिंता की बात नहीं है, आगे जब भी फोन आएगा तो MIUI 9 पे आएगा क्योंकि यहाँ पर Redmi Note 5 है वो भी आपको MIUI 9 पे ही मिलेगा, चिंता की बात नहीं है। यहाँ पर मतलब टेस्टिंग चल रही होगी इस वजह से MIUI 8.1 पे 9 इतनी जल्दी अभी इतना अच्छे से तैयार नहीं होगा मी 7 के लिए, शायद इस वजह से मी 8.1 पे जो है टेस्ट कर रहे होंगे मी 7 को। तो फ्रेंड अगली नहीं जाती हुआ थी Huawei की तरफ से, Huawei की फ्लैगशिप सीरीज P20, P20 Plus और P20 Lite जो है उन सब के फ़ोन की मतलब तैयारी चल रही है। तो यहाँ पर P20 जो प्लस फ़ोन है उसके 360 डिग्री जो वीडियो है वो आपको देखने को मिल रही है जो कि लीक हुई है, और इसमें कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 3.5mm ऑडियो जैक देखने को मिल रहा है, USB Type-C पोर्ट वगैरह हैं, और यहाँ पर मतलब iPhone 10 की तरह नॉच है। तो यहाँ पर बेसिकली आपको तीनों वेरियंट्स जो है उन सब का iPhone 10 जैसा नॉच और नियरली बेजललेस डिस्प्ले देखने को मिले जिसमें आपको नीचे थोड़ा हल्का सा मेगापिक्सल देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स की वीडियो में इतने, आई होप आपको इस वीडियो में मजा आएगा, आपकी टेक न्यूज़ जो है अच्छी लगी होगी, अगर आपको लगा हो मैंने कुछ अच्छी न्यूज़ आपको दी है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपके लिए कुछ हेल्पफुल रहने वाली है तो डेफिनेटली वीडियो आप लाइक कर सकते हैं और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसलिए यार थोड़ा बहुत सपोर्ट मुझे मिल जाएगा और मुझे लगेगा कि मैं जो टेक न्यूज़ बना रहा हूँ यार जिनकी जो दो वीडियोज़ अपलोड करता हूँ किसी तक पहुँच रही हैं किसी तक और वीडियोस को देख रहे हैं यार प्लीज आप सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियोस को आपको मिस नहीं करना चाहिए, बेशक है बेल आइकन दबा सकते हैं। और साथ ही साथ कोई भी क्वेरी हो कोई सजेशन हो या कोई वीडियो टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं नीचे कमेंट्स में छोड़िए बेधड़क। बस मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए।